The core topic we are talking about in this module is conducting psychological assessment, its settings, its function, and how it's going to proceed. Psychologists only provide psychological services within the boundaries of professional competence. This is something very important and very, very trivial to be uh, in practice because we are a psychologist to specific expertise.

इसी तरह कुछ कल्चर्स के अंदर जो है वो कुछ सर्टन प्राक्टिस यूज़ हो रही होती हैं आर बहुत यूज़ हो रही होती है अप्रोच e. हो यूज़ हो रही होती है तो वहाँ पर अगर कोई साइकोटनिक अप्रोच यूज़ करेगा साइकोड्रामा रोल प्लेइंग तो मे बी वो थोड़ा सा इतना उनको अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप ना हो सके तो कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी सेटिंग में आ, कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिलीजियस थेरेपीज बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होती हैं सूर रहमान की थेरेपी हेल्थ सेटिंग्स में बहुत ज्यादा यूज हो रही है हॉस्पिटल्स में एक बेसलाइन प्रैक्टिस के तौर पे सूरत रहमान की थेरेपी जो है वो दी जा रही है इज़ इज़ वेरी इफेक्टिव सो वी हैव टू सी दैट द कल्चर वट इज द सेटिंग एंड वट इज द फंक्शन ऑफ द थेरेपी विच इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन सो दिस इन बट इट इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वर्किंग विद इन द लिमिट ऑफ देयर एजुकेशन ट्रेनिंग सुपरवाइज एक्सपीरियंस एंड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नो इफ़ आई ओनली टॉक अबाउट द रिलीजियस थेरेपी तो अगर किसी ने अमाम ग़ज़ाली की रिलीजियस प्रैक्टिस के बेस पे एक इस्लामिक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की ट्रेनिंग्स ली हुई हैं और वो उसको इस्लामिक साइकोलॉजी को यूज़ करा है अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर दैन दिस इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल एंड इंक्रेजिंग लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है जिसकी उसके ऊपर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है लेकिन वो उनको एज अ टेक्निक यूज़ करा है तो मे भी उसमें बहुत ज़्यादा मनीपुलेशन इन्वॉल्व हो तो इसी तरह जो सर्टन लोग हैं वो एक ख़ास एज ग्रुप के साथ काम करते हैं जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन के साथ काम करने में कंफर्टेबल होते हैं यंग चिल्ड्रन के साथ काम करने में कंफर्टेबल होते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन जैट्रिक्स में काम करने में उनका इंटरेस्ट होता है तो ये कंपिटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को देखना और उनको डील करना उनकी असेसमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट

क्योंकि उनकी उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि उसकी स्कोरिंग कैसे होगी उसकी इंटरप्रटेशन कैसे होगी तो दैट कुड बी अ ग्रेट बैरियर इन इंटरप्रटेशन ऑफ अ प्रॉपर रिजल्ट और वो रॉन्ग डायग्नोसिस कर सकते हैं और गलत लोगों को गलत तरीके से सिक्विटाइज कर सकते हैं उनको गलत लेबल कर सकते हैं तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इनाफ इन द एरिया ऑफ़ देयर प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज बी टेकन केयर ऑफ देन कंप्लाइंग विद द लॉ ऑफ अथॉरिटी इन विच दे प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। अगर उस सेक्टर की उस सोसाइटी की या उस कल्चर की एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अलाउ नहीं कर रही तो आप वो नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल असमेंट करना चाह रही हैं जो कि हमें लगता है कि यहाँ पर करना थोड़ी सी रिस्की होगी तो उसके लिए हमें पहले प्रॉपर चैनल से हेल्प लेनी चाहिए प्रॉपर चैनल से हमें परमिशन लेनी चाहिए और उसके बाद हमें उन्हें अप्लाई करना चाहिए बिकॉज हर सेटिंग में हर चीज़ जो है वो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता अलाउ नहीं होता जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग अगर अर्ली मैरिजेस के ऊपर रिसर्च करें और हम डाटा ले रहे हैं उनके एक्सपीरियंसिस ले रहे हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मैरिज की जो एज है वो डिफरेंट है कहीं फोर्टीन ईयर्स है कहीं सिक्सटीन है कहीं एटीन है और कहीं एटीन है नवाब तो वी हैव टू सी दैट वट वी आर गोइंग टू डू इन वट से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज

फिर उसके बाद उसको डिटैच कर दिया जाता है उसको जेल से आउट कर दिया जाता है अब वहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं एक्सपीरियंस ले रहे हैं मदर की सेपरेशन एग्जाइटी बच्चे की सेपरेशन एग्जाइटी देख रहे हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी वी नीड टू फॉलो ऑल द कोड ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट और हम वहाँ पर तमाम अप्रूवल्स uh, लेंगे सारे हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट रिसर्च इंश्योरिंग दैट द इमोशनल मेंटल एंड फिजिकल स्टेट Does not impair the ability to provide a competent psychological service. So assessment करने वाले के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी अपनी well-being, उसका अपना stake बहुत strong हो ताकि उसकी अपनी जो abilities हैं वो undermine होने की वजह से उसकी assessment पर किसी तरह का कोई impact ना आए सो uh, so, हमें फेयर रहने के लिए unbiased रहने के लिए एक अच्छी साइकोलॉजिकल असमेंट करने के लिए इन सारे प्रिंसिपल्स uh, को देखना बहुत ज़रूरी है

हम कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उसको यूज़ करने के आ, क्या रीजंस हैं और क्या कोई अल्टरनेट प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं ये क्लियर होना बहुत जरूरी है एंड वेयर नेसेसरी मेकिंग अडाप्टन टू अलाउ फॉर कल्चरल डिफरेंसेस और असेसमेंट में जहां हमें लगता है कि कुछ कल्चरल बैरियर्स आ रहे हैं वहां पर हम उन आइटम्स को उन क्वेश्चन को उन प्रोसीजर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कल्चर जिसमें भी हम वो असेसमेंट कर रहे हैं

कि हमें जितनी भी सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बाद हम उस असेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट बाय ओरल एंड रिटन फीडबैक टू इंडिविजुअल क्लाइंट्स और राइटिंग रिपोर्ट टू अथॉरिटी हु इज आस्किंग फॉर दोजल्ट लाइक अगर तो वो किसी इंडिविजुअल को हमने कमिट किए हैं वो हमारा क्लाइंट है तो उसको हमने ओरल या रिटर्न रिजल्ट्स देने हैं और अगर वो कोई कंपनी है कोई पार्टी uh, है तो फिर हमने उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को इन राइटिंग रिपोर्ट देनी है जैसे हम बहुत सारे फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लाइंट्स का डाटा लेते हैं तो वहाँ पर आपको उसी तरह की रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देनी होती हैं मेकिंग साउंड डिसीजनस एंड रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्स यहाँ पे कंपिटेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं इंश्योरिंग ईच कम्पोनेंट ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएटली वेट लेट्स इफ़ द कंपोनेंट इज इन्वॉल्व लाइक क्वालिटेटिव कंपोनेंट भी है और क्वांटिटेटिव भी है जैसे हम अगर आ, बात करते हैं कुछ ऐसे असेसमेंट के टेस्ट हैं जैसे रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैक है उसके अंदर क्वालिटेटिव कॉम्पोनेंट भी है और क्वान्टिटेटिव भी है द रिजल्ट बोथ कॉम्पोनेंट शुड भी इक्वली वेटेड एंड दे रिजल्ट शुड भी अलाइन ऐसा नहीं हो सकता कि क्वालिटेटिव कॉम्पोनेंट का रिजल्ट कुछ और बता रहा हो और क्वान्टिटेटिव का रिजल्ट कुछ और बता रहा हो सो वी हैव टू वेट Each of the component of the assessment, and then make a clear, concise, and a very open report, which would be very easily comprehensible to the individual or to the organisation.